हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्रीकांत जादव और आज मैं आपको इस वीडियो में GDP, GNP, NDP और NNP ये सब चीज़ें क्या होती है ये बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको GDP और GNP क्या होता है ये बता दूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये SSC, बैंकिंग और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए, GDP का लॉन्ग फॉर्म मैंने आपके लिए यहाँ पर स्क्रीन पर लिख दिया है। तो GDP का लॉन्ग फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ग्रॉस मतलब पूरा, डोमेस्टिक मतलब घरेलू और प्रोडक्ट मतलब उत्पादन। तो जो भी हमारा घर पे प्रोड्यूस किया गया है, मतलब अपने कंट्री में प्रोड्यूस किया गया है, वो उत्पादन GDP में काउंट होता है। जैसे डेफिनेशन में देखिए, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ पीरियड इनसाइड द बाउंड्री ऑफ नेशन। तो यहाँ पे जो है ये बाउंड्री ऑफ नेशन है, ये बहुत मायने रखता है कि उस देश के बाउंड्री में, उस नेशन के बाउंड्री में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हुई है वो उसके GDP में काउंट होंगी। जैसे कंसीडर कीजिए इंडिया के लिए, तो इंडिया के अंदर जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हुई है वो सब इंडिया के GDP में काउंट होंगी। ये सब ज्योग्राफिकल कंसेप्ट है GDP, और ये लोकेशन बेस्ड है, मतलब कहाँ पर चीज़ उत्पादन हुआ है, उस चीज़ का उत्पादन कहाँ पर हुआ है, इस पर यह मायने रखता है। और देखिए, सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है बाय होम, तो किसने प्रोड्यूस किया है। तो अगर इंडिया की लैंड पे अगर कोई भी नेशनल, मतलब जो कि इंडियन हो या फिर जर्मन, अमेरिकन, कोई भी हो, अगर वो कोई चीज़ प्रोड्यूस करता है और वो इंडिया में करता है, तो वो इंडिया की GDP में काउंट होगा। ये मैटर नहीं करता कि वो इंडियन ने बनाया या फिर अमेरिकन ने बनाया या फिर किसी जर्मन ने बनाया। और इसके ही अपोजिट GNP है। GNP जो है वो लोकेशन पर बेस्ड नहीं होता, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हम जिसे कहते हैं, वो उसके नेशनल्स पे, मतलब उस देश के नागरिकों का इनकम पे डिपेंड होता है। जैसे देखिए, इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन वन ईयर बाय इट्स नेशनल। तो उस देश के नागरिकों द्वारा प्रोड्यूस किए गए चीज़ों के जो भी वैल्यू होती है वो GNP में काउंट होती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने GNP का एक फार्मूला लिखा है आपको आसानी से समझाने के लिए। देखिए, GNP में GDP काउंट होता है, प्लस यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है, प्लस नेट इनकम इनफ्लो फ्रॉम एब्रॉड। तो ये चीज़ क्या होती है, नेट इनकम इनफ्लो फ्रॉम एब्रॉड। जैसे कि मतलब अगर हम कंसिडर करते हैं इंडिया के लिए, तो इंडिया के कुछ लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, मतलब विदेश में काम कर रहे हैं, अमेरिका में, जर्मनी में और बहुत से राष्ट्रों में बाहर जाके जो काम करते हैं एब्रॉड में जाके, और वो घर पे, मतलब उनके घर वालों के लिए कुछ रेमिटेंसेस भेजते हैं, पैसे वापस इंडिया भेजते हैं, तो वो सब चीज़ें GNP में काउंट होगी। क्योंकि GNP का मतलब ही वही होता है कि उसके नेशनल्स ने, मतलब उस देश के नागरिकों ने कितना पैसा कमाया है या फिर कितने प्रोड्यूस, मतलब कितनी चीज़ें प्रोड्यूस की है। लेकिन इसमें से एक चीज़ माइनस होगी, वो क्या है, नेट इनकम आउटफ्लो टू फॉरेन कंट्रीज। इसका मतलब होता है कि जो भी बाहर के लोग, मतलब इंडिया के बाहर के जो लोग हैं, वो इंडिया में आके जो पैसा कमाते हैं और वो अपने घर पर भेजते हैं, तो ऑब्वियसली वो इंडिया के GNP में काउंट नहीं होगा, वो उनके राष्ट्र के GNP में काउंट होगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल रखे हैं। अभी देखिए, प्रियंका चोपड़ा, ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, तो प्रियंका चोपड़ा अभी अमेरिका गई है, और आपको तो पता ही है कि उनका जो शो है क्वांटिको के लिए वो अमेरिका गई है। तो वो वहाँ पर जो पैसा कमाती है, मतलब उन्होंने, प्रियंका चोपड़ा ने वहाँ पर कुछ पैसा कमाया और वो वापस इंडिया भेजा, उनके घर वालों के लिए इंडिया भेजा या फिर इंडिया लेके आई वो पैसा, तो वो जो पैसा है वो इंडिया की GDP में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि प्रियंका चोपड़ा जो है वो इंडियन नेशनल है, तो वो इंडिया की GDP में काउंट होगा। तो ये जो पैसा है प्रियंका चोपड़ा जो अपने घर पे भेज रही है, वो इंडिया की GNP में काउंट होगा, GDP में नहीं काउंट होगा, इंडिया के GNP में काउंट होगा, ठीक है। तो वैसे ही एक हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखिए, जस्टिन बीबर, इनका अभी हाल ही में एक मुंबई में कंसर्ट हुआ था, तो कंसिडर कीजिए कि जस्टिन बीबर इंडिया आए, उन्होंने कुछ पैसा कमाया और उन्होंने वो अपने घर पे लेके गए या फिर उनके घर पे भेज दिया, तो वो इंडिया के GDP में काउंट नहीं होगा, वो इंडिया के GNP में काउंट नहीं होगा। उससे अपोजिट वो इंडिया की GNP से रिड्यूस होगा, क्योंकि वो पैसा वो अपने घर पर लेके जा रहे हैं, तो वो इंडिया के GNP से रिड्यूस होगा और वो ऐड होगा कनाडा की GNP में, क्योंकि जस्टिन बीबर जो है वो कैनेडियन, कनाडा के हैं, उनका जो नेशनलिटी है वो कनाडा है, तो उनका जो
जो भी कमाई है वो जो जो उन्होंने इंडिया में कमाई वो इंडिया के जीएनपी में नहीं ऐड होगा, वो कनाडा के जीएनपी में ऐड होगा। और एग्जांपल देखते हैं हम, देखिए यहाँ पे मैं एक कंपनी के बारे में बात करूँगा, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कि इंडिया में स्थापित है, दो कंपनी के बारे में, एक अमेरिकन कंपनी है जो कि इंडिया में है और एक इंडियन कंपनी है जो कि इंडिया में ही है। तो जैसे कंसिडर कीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकन कंपनी है, वो इंडिया में काम कर रही है, और एक है इन्फोसिस जो भी वो भी इंडिया में ही काम कर रही है। तो ये इन दोनों कंपनी का जो भी प्रॉफिट है वो किस में ऐड होगा? देखिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉफिट ऑफ अमेरिकन कंपनी। तो अमेरिकन कंपनी का प्रॉफिट जो है वो इंडिया में, इंडिया के जीडीपी में ऐड होगा। क्यों? क्योंकि वो अमेरिकन कंपनी इंडिया में काम कर रही है। जैसे मैंने बोला ना आपको, इंडिया में जो कंपनीज है उनके बारे में बात कर रहे हैं हम, तो उनका जो प्रॉफिट है अमेरिकन कंपनी का वो इंडिया के जीडीपी में ऐड होगा, और इंडियन कंपनी का जीडीपी, इंडियन कंपनी का जो भी प्रॉफिट है वो भी इंडिया के ही जीडीपी में ऐड होगा। यानी कि जीडीपी पूरा लोकेशन बेस्ड है, यहाँ पे बाहर की कंपनी हो या फिर इंडियन कंपनी हो, उनका जो भी प्रॉफिट है वो इंडिया के ही जीडीपी में ऐड होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जो है सेकेंड पॉइंट में मैंने बताया है प्रॉफिट ऑफ अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन कंपनी का जो भी प्रॉफिट है वो अमेरिका के जीएमपी में ऐड होगा, और इंडियन कंपनी का प्रॉफिट इंडिया के जीएमपी में ऐड होगा। क्योंकि जीडीपी एक ज्योग्राफिकल कंसेप्ट है, तो दोनों कंपनी का प्रॉफिट इंडिया के जीडीपी में ऐड होगा, लेकिन जीएनपी में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जीएनपी एक नेशनल जो राष्ट्रीयत्व पे डिपेंड है कि वो किस देश के नागरिक है उसके ऊपर डिपेंड होता है। अब देखते हैं अगला कंसेप्ट एनडीपी। तो एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस और नेट में तो आप डिफरेंस जानते हैं, तो इसके लिए ये जीडीपी का नेट फॉर्म है एनडीपी। तो देखिए एनडीपी का फॉर्मूला मैंने आपके लिए यहाँ पे रख दिया सामने, एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। अब ये डिप्रिसिएशन क्या होता है? जीडीपी तो आपको पता ही है, तो डिप्रिसिएशन क्या होता है? डिप्रिसिएशन मतलब डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स मतलब कैसे? देखिए अगर आप मतलब कुछ मैंने पहले आपने एक सेलफोन खरीदा है, एक स्मार्टफोन खरीदा है, तो उसकी वैल्यू जो आपने जिस प्राइस में उसको खरीदा था उससे कम तो होनी है, 2-3 महीने में उसकी वैल्यू कुछ तो कम हुई होगी, तो उसको हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। वो जो वैल्यू कम हुई है उसको हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो एनडीपी में से जो भी जीडीपी में से जो भी डिप्रिसिएशन है वो माइनस होके जो बचेगा वो हमारा होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जीडीपी हमेशा एनडीपी से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि डिप्रिसिएशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कोई भी चीज़ आपने खरीदी है वो पुरानी होने के बाद उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ कम होने वाली ज़रूर है, उसकी वैल्यू डिंडल होने वाली, मतलब कम होगी ही होगी, तो वो ज़ीरो नहीं होती कभी भी। डिप्रिसिएशन कुछ ना कुछ होता है। जैसे कि आपने शोरूम से जैसे एक स्मार्टफोन ख़रीदा, तो शोरूम के बाहर निकलने के बाद ही उसकी प्राइस कम हो जाती है, वो वही प्राइस में नहीं बेचा जा सकता। तो देखते हैं अगला कंसेप्ट जो कि है एनएनपी। एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। जैसे एनडीपी जीडीपी का नेट फॉर्म था, वैसे ही एनएनपी जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये जीएनपी का नेट फॉर्म है। तो देखिए सेम फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई किया है, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी, जीएनपी जो कि आपको पता है, माइनस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन भी आपको पता है। तो लेकिन जो नेशनल्स ने कमाया हुआ पैसा उसमें डिप्रिसिएशन कैसे होगा? जैसे मैं आपको बता दूं कि एक कोई भी इंडियन कंपनी है या फिर इंडियन सिटीजन, उसने कोई प्रोडक्ट बनाया, तो उसमें उसको जो रिपेयरिंग करना पड़ता है कि मतलब कुछ दिन बाद उसको रिपेयरिंग मंगानी, रिपेयरिंग के लिए वो कॉल करते हैं अगर बाहर भी गई है चीज़ तो, या फिर उसमें जो रिपेयरिंग के लिए मेंटेनेंस के लिए जो पैसा लगता है वो हम डिप्रिसिएशन में काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए एनएनपी जो है वो जीएनपी में से डिप्रिसिएशन माइनस करके एनएनपी बचता है। तो एनएनपी को प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम ऑफ नेशन कह सकते हैं, ठीक है। और एनएनपी को अगर पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम हमको मिलेगी। तो आपको ये वीडियो आज मतलब इसमें कैसा लगा ये आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग और भी कुछ क्वेरीज आपके मन में होगी तो आप पोस्ट कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।